अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम पहुँचे हैं इस विलेज के अंदर डिसेबल बाजी के पास, जो कि तकरीबन 25-30 बरस से इस चार पाई पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं है। इनकी औलाद में से जो कि देख सकते हैं बेटियाँ हैं और एक बड़ा बड़ा जो बेटा है आप देख सकते हैं यही है। तो ये बेटा कमा तो नहीं सकता, छोटा सा है, छोटी सी उम्र है, अभी पढ़ने की उम्र है। बाबा जी ने ये छोटी सी दुकान बनाई है ताकि अपने घर का निज़ाम चला सकें, क्योंकि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर महंगाई कितनी ज़्यादा है, तो गरीब का पेट पालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो बक्या के हालात इस बाबा जान से पूछते हैं और अम्मा जान से पूछते हैं कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहन हैं वो भी नौजवान हैं, कल को इनका भी ब्याह करना है, तो ये कहाँ से इतने ज़्यादा अफोर्ड करेंगे, इतना ज़्यादा रकम अफोर्ड करेंगे कि इनकी शादी वगैरह करेंगे, तो कितना इनको रकम ज़रूरत होगी, तो इनके पास मौजूद है या नहीं है। बाकी कहरा बाबा जान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बाबा जान, क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जान आप ये बताएं कि आप कितने बरस हो गए हैं आपको इस चारपाई पर बैठे हुए हैं? 25-30 साल थी गए, वजूद आस्ते आस्ते पूरा वजूद रुकदा 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 रुक गए, बस अखीर बह गया। पहले आस्ते आस्ते कोई चुनाव अखीर बह गया, पूरा वजूद रुक। आपका नाम क्या है? गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन नाम है आपका? जी हाँ। तो ये आपने छोटी सी दुकान बनाई हुई है, तो आपका घर का निजाम चल जाता है? मजबूरी क्या करूँ, शरीर रंगने वाला क्रिया करना तो है, मगर जेरे रंग लाल गुजर देते हैं। मेरा अल्लाह यार दे या मैं को पता है कि मेरी जेरे हालात क्या कर रही है। तो कितनी सेल हो जाती है दिन की? मैं ये बारे सामने सभी जीती खड़े हुए के ये पापड़ उधार दे घिंडा वात आस का तो जो मैं जेरी का से थी वे दिए ज्यादा तो ज्यादा 200 रुपया मतलब देखो कि जरा ये पापड़ देख को मैं का हमारी सिस्टर जो के नौजवान है, तो आपने कल को इनका ब्याह करना है, तो आपके पास रकम मौजूद है? मेरे को कोई से हो गया तो मैं अगले रिश्ते ना कि देना ये वास्ते आज तक एक दौर आ गया जो जरा गरीब है उनके को रिश्ते को दिया कैसे हो गए तो मैं देवर दी मैं भी आज दौर ऐसा है कि मैं कहीं तो कॉल दिया जन मैं इच्छा कैसे ना कैसे दूर सी तो उनके लिए रिश्ते करेंगे भी तू कैसे ना मिले मुताज बन गए मेरे। हमारे बहन भाई आपको देख रहे हैं, अब आपकी क्या ख्वाहिश है कि वो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? अगर मैं उन्हें या बच्चा को दवाई देता कि मेरी जितनी न मेरा तुम्हारे सामने न मेरी चार दीवार न मेरा कोई बाथरूम है जो भी मतलब कोई सहूलत मेरे खरी होगी जितनी थी सके तो मैं दुआई करे सा भी मैं कुछ कर अड़ना चाहेंगी तो ये बच्चों को दुआई दे सा अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे जरे आमीन। तो अम्मा जान से पूछते हैं क्योंकि वो भी इसी घर का फर्द हैं, क्योंकि इनका वाशरूम भी नहीं है, चार दीवारें भी नहीं है, बाबा जान बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि हमारी सिस्टर भी नौजवान है। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जी आप ये बताएं कि बाबा जान ने ये छोटी सी दुकान बनाई हुई है, तो अब इस घर का निज़ाम चल जाता है? बस परेशान है, परेशानी है, गुजार थोड़े ना जीवन चलते। तो हमारे बहनें भी नौजवान हैं, बाबा जान बता रहे थे कि यहाँ पे चार दीवारी भी मौजूद नहीं है, तो बेपर्दगी होती है, यहाँ से रोड गुजर रहा है तो लोग आते जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है? लेटरें लिखी हुई है, चार दीवारी लिखी हुई है, वाशरूम और चार दीवार दी जाएगी इंशाल्लाह, ज़रूर दी जाएगी। जी जी बिल्कुल।
प्रोग्राम आपने सुना होगा इस फैमिली के हालात। उन्होंने बताया है कि हमारी बेटियां जो कि नौजवान हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दरपेश होती हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। आप अगर साहब इस्तात हैं तो उनकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि उनकी चार दीवारी भी नहीं है, वाशरूम भी नहीं है। तो बाबा जान ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो इनका कोई और बड़ा भी कारोबार भी नहीं है, इनका और कोई बड़ा बेटा भी नहीं है जो कि इनको कमा के ले आए और ये खाए। तो देख सकते हैं हमारी सिस्टर नौजवान हैं, तो बाबा जी और अम्मा जान इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप साहब इस्तात हैं तो इनकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि ये हकदार फैमिली है। हमारा जगह जगह के ऊपर जाकर वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम इन हकदार फैमिलियों की आवाज़ आप तक पहुँचा सकें। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।